आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास में पंचरात्र व्रत कब से कब तक करना है और इनमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि प्रतिदिन आपको करना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम माह प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अर्थात 32 महीनों के बाद आता है। पुरुषोत्तम माह साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी मनुष्य व्रत करता है, जप करता है, दान करता है, तप करता है, साधना करता है, आराधना करता है, उसको साधारण महीनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम माह में करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साधारण भाषा में पहले पुरुषोत्तम माह का नाम अधिक मास, उसके बाद मल मास तथा भगवान नारायण ने प्रभु श्री कृष्ण के माध्यम से इस माह का नाम पुरुषोत्तम माह करवाया और भगवान ने इसे वरदान दिया है कि जिस प्रकार मेरे अंदर भक्तों को आशीर्वाद देने की, वरदान देने की शक्ति है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम माह में भी सारी शक्तियां रहेगी। यदि कोई मनुष्य जाने में अनजाने में अर्थात बिना जाने या जानकर भी पुरुषोत्तम माह का व्रत करता है और पुरुषोत्तम माह अधिक मास के सभी नियमों का पालन करता है तो निश्चय ही उसके जीवन में जो जो भी संकट होंगे, कष्ट होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। और यदि किंचित मात्र भी उसके जीवन में गरीबी या दरिद्रता हो जाएगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है क्योंकि नारद पुराण में इस संदर्भ में लिखा हुआ है और भगवान नारायण ने स्वयं इस विषय में बताया है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम माह के विधिवत नियमों को पालन करता है या बिना विधि के भी नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है और उसके जन्म जन्मांतर के जो भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्य उदय होंगे तभी मनुष्य को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद उसे जरूर प्राप्त होगा। और यदि वो 84 लाख योनियों से छूटने की इच्छा रखता है तो वो कामना भी उसकी पूर्ण हो जाएगी। तो अधिक मास में जो पंचरात्र होते हैं, 5 दिन होते हैं, उनमें आपको ये 5 काम जरूर करना चाहिए। यदि आपने इन 5 कार्यों को अधिक मास के अंतिम के 5 दिनों में कर लिया तो आप निश्चित मानिएगा कि आप जो भी सोचोगे, जो भी आप चाहोगे, वो संपूर्ण सिद्धि को आप प्राप्त कर लोगे। यदि आपके मन में उच्च शिक्षा प्राप्ति करने की इच्छा है या फिर आप चाहते हो कि शिक्षा तो पूर्ण हो गई है लेकिन मुझे इच्छित नौकरी की प्राप्ति हो जाए, रोजगार की प्राप्ति हो जाए या कोई भी नया काम या नया व्यापार शुरू कर सकूं जिससे मेरी आजीविका अच्छी प्रकार से चल सके। और यदि आपके जीवन में बहुत सारा कर्ज हो चुका है, आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़के को मनवांछित कन्या की यानी वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और लड़कियों को, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसी तरह यदि आपके जीवन में कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई संकट है या आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, अपार धन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, गड़ा हुआ खजाना यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप ऐसा कोई काम है जो बहुत दिनों से कठिन है, जिसको कर नहीं पा रहे हैं, उसको आप सरल करना चाहते हैं तो आप सभी कार्यों को सरलता पूर्वक प्रभु कृपा से अवश्य ही संचालित करेंगे और अपने जीवन में आप निरंतर उन्नति और प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। तो अधिक मास के पंचरात्र व्रत का आरंभ इस बार द्वितीय श्रावण माह कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के दिन से होगा। पंचरात्रि व्रत का पालन करना थोड़ा कठिन होता है लेकिन यदि आप शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार या फिर आप बिना विधि के भी पंचरात्रि व्रत करेंगे
तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि अपार वैभव धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सबसे पहले परमा एकादशी के दिन से आपको पंचरात्रि व्रत आरंभ करना है। परमा एकादशी यानी 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन से आपको पंचरात्रि व्रत आरंभ करना है। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। सबसे पहली शर्त और सबसे पहला नियम यदि पंचरात्र व्रत का है तो वो सुबह जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना पड़ेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि आप दीपदान करें। दीपदान आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं, दीपदान आप विधि के अनुसार कर सकते हैं, या दीपदान आप बिना विधि के भी करेंगे तो भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। और तीसरा कार्य सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप निरंतर 5 दिनों तक भगवान का नाम संकीर्तन करें, अधिक मास की कथाओं का श्रवण करें। यदि आप एक अध्याय से लेकर के समस्त 31 अध्यायों की कथा का श्रवण कर चुके हैं तो आपको दोबारा इन 5 दिनों में इन सभी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, यानी भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, प्रभु की कथाओं का श्रवण करना। और चौथा काम है, आपको इन पंचरात्र व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। विवाहित दंपत्ति पति पत्नी इस 5 दिनों के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और पांचवा जो काम है वो आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार धारण करें। यानी पंचरात्र व्रत में कहा गया है कि निर्जला व्रत का संकल्प इस दौरान लिया जाता है, यानी बिना जल पिए 5 रात्रि 5 दिन आपको व्यतीत करना है। 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक पंचरात्र व्रत रहेंगे। 12 अगस्त परमा एकादशी के दिन पंचरात्र व्रत का आरंभ होगा और 16 अगस्त के दिन पंचरात्र व्रत का पारणा होगा। तो इसमें आप चाहें तो निर्जला व्रत का संकल्प धारण करें, जैसी आपकी शक्ति है, जैसा सामर्थ्य है, उस प्रकार ही आपको संकल्प लेना है। क्योंकि जो आपने संकल्प लिया है वही काम आपको निरंतर 5 दिनों तक करना है। और यदि आप संकल्प नहीं लेते हैं, बिना संकल्प के भी यदि कोई नियम आप स्वेच्छा से धारण करते हैं तो वो भी मान्य होगा। और यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप फलाहार करके भी पंचरात्र व्रत को कर सकते हैं। और यदि आप फलाहार करके इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो आप भोजन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में भोजन की 2 विधि रहेगी। यदि आप चाहें तो पूरा दिन कुछ न खाएं और सूर्यास्त के पश्चात भोजन करें। एक समय भोजन करेंगे तो भी पंचरात्र व्रत का आपको पुण्य प्राप्त होगा। और उसके बाद यदि आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर के समय भोजन करें और रात को सूर्यास्त के बाद भोजन करें और बाकी समय कुछ भी ना खाएं तो भी आपका पंचरात्र व्रत मान्य होगा। लेकिन ध्यान रखें, पंचरात्र व्रत में किसी भी मनुष्य को लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, कटहल की सब्जी नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खाना है, और इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ का या अंडे इत्यादि का आपको सेवन नहीं करना है। इस दौरान आपको किसी का भी झूठा भोजन नहीं करना है, शुद्ध एवं पवित्र भोजन आपको करना चाहिए। यदि आपने फलाहार के साथ में पंचरात्र व्रत का संकल्प लिया है तो आप शुद्ध सात्विक फलाहार ग्रहण करें। दूध से बनी वस्तुएं, सभी प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा या साबूदाना, आलू या अन्य फलाहारी वस्तु जैसे सिंगाड़े का आटा, मखाने नमकीन या मखाने मीठे या मखाने की खीर, जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं वो
इस दौरान ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो उसमें हल्दी का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आप चाहें तो पंचरात्र के पहले दिन परमा एकादशी है, उस दिन एकादशी का व्रत धारण करें और अगले दिन से एक समय भोजन का भी आप नियम ले सकते हैं। यानी पूरे दिन आप व्रत रखें और शाम को सूर्य अस्त के बाद रात्रि में भोजन करें, वह भी व्रत आपका मान्य होगा। तो इस प्रकार इन पंचरात्र के दौरान आपको नियमों का पालन करना चाहिए और पंचरात्र के दौरान यदि संभव हो तो ब्राह्मण भोजन करवाएं। प्रतिदिन अपने घर एक ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन करवाएं। यदि प्रतिदिन नहीं बुला सकते हैं तो 5 ब्राह्मणों को अमावस्या के दिन यानी 16 अगस्त 2023 के दिन भी आप भोजन करवा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण को आटा दाल चावल सीधा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा भी यदि संभव नहीं है तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मण देवता को आप नगद राशि भी ब्राह्मण भोजन के निमित्त प्रदान कर सकते हैं। साथ ही पंचरात्र में यदि प्रतिदिन संभव हो तो कांसे के बर्तन में 33 मालपुआ रख करके और उनके ऊपर वैजंती माला और गुलाब की पंखड़ियां, गुलाब के पुष्प और तुलसी पत्र रख करके ब्राह्मण को यदि आप 5 दिनों तक प्रतिदिन 33-33 मालपुआ का दान करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन यदि प्रतिदिन संभव नहीं है तो कम से कम पंचरात्र व्रत के समापन दिवस यानी अमावस्या 16 अगस्त के दिन आप जरूर 33 मालपुआ का दान कर देना, क्योंकि 33 मालपुआ अधिक मास में दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। मालपुआ दान करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मालपुआ में जो छिद्र होते हैं वो अपने आप में बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। आपके पितृ, आपके पूर्वज या आपके कोई भी घर के परिवार के मृतक परिजन यदि नरकों में पड़े हुए हैं या फिर उनका मोक्ष नहीं हुआ है या वो बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके घर में पितृ दोष है, तो मालपुआ का दान करने से आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, उनको वैकुंठ लोक परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास पुरुषोत्तम माह का आगमन प्रत्येक 32 महीने के बाद होता है, तो जो 30 मालपुआ होते हैं वो 30 महीनों के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं उनके निमित्त दान करना चाहिए और जो 3 मालपुआ होते हैं ऊपर के वो जिस प्रकार 32 माह और कुछ दिन व्यतीत होते हैं उनके जो अधिष्ठाता देवता होते हैं उनके निमित्त करना चाहिए। दूसरा प्रमाण यह भी आता है कि अधिक मास 30 दिनों का होता है तो 30 दिनों के एक एक मालपुआ दान हमको करना चाहिए और जो 3 मालपुआ अतिरिक्त यानी ऊपर के होते हैं उनमें पहला मालपुआ हम यदि गलती से या जानकर अपनी बहन बेटी भानेज के घर भोजन कर लेते हैं तो उसका पाप लगता है, उसके प्रायश्चित के निमित्त वो एक मालपुआ दान दिया जाता है। और जो दूसरा मालपुआ होता है वो यदि हम किसी भी देवस्थान में, मंदिर में, गुरुजी के घर में या किसी भी देवी देवता के स्थान पर भंडारा चल रहा है वहां पर हमने भोजन कर लिया है तो उस दोष की निवृत्ति के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए वो दूसरा मालपुआ दान दिया जाता है। और जो तीसरा मालपुआ होता है वो इसके लिए दान दिया जाता है कि यदि हमने किसी भी समय किसी ऐसे घर में भोजन कर लिया है जहां पर किसी का जन्म का सूतक लगा है या मृत्यु का सूतक लगा है, यानी दोनों में से कोई भी सूतक यदि उनके घर पर है और उनके घर यदि हमने भोजन कर लिया है
तो उस दोष की निवृत्ति के लिए तीसरे नंबर का मालपुआ दान दिया जाता है। इस प्रकार 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक पूरे 5 दिन आप निर्जला व्रत करें, फलाहार करके व्रत करें, एक समय भोजन करके व्रत करें या दो समय भोजन करके व्रत करें, लेकिन ध्यान रखें इस दिन या इस पंचरात्र के दौरान आप भगवान नारायण का चरणामृत जरूर ग्रहण करें। पंचरात्रि व्रत का पुण्य अपार है। कहा गया है, अधिक मास की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है, नारद पुराण में भी ऐसा बताया हुआ है कि जो मनुष्य पंचरात्र का व्रत करता है उसके करोड़ों अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में गरीबी है, कंगाली है, दरिद्रता है, तो वो जड़ से नष्ट हो जाएगी। इसका पुण्य अपार है। पूरे अधिक मास का पुण्य आपको पंचरात्र व्रत से प्राप्त हो जाएगा। परमा एकादशी से आरंभ होने वाले पंचरात्रि व्रत की जो विधि है उसमें बताया है कि पंचरात्रि व्रत का आरंभ आपको परमा एकादशी के दिन सुबह करना है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु पुरुषोत्तम जी या राधा कृष्ण जी के सामने बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हाथ में फूल जल और अक्षत के स्थान पर जव तिल तुलसी का पत्ता रखे और पंचरात्र व्रत का संकल्प धारण करे। मन ही मन 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। अब आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर ले और जिस प्रकार आप पंचरात्र व्रत धारण करना चाहते हैं वह मन में आप उच्चारण कर लीजिएगा और संकल्प प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा। इसके बाद एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन करें और प्रतिदिन पंचरात्र व्रत के दिन भी आपको भगवान नारायण का पूजन करना है। सूर्य नारायण को जल प्रदान करें, तारों को अर्घ देवे, तुलसी माता की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें, तिल के तेल से या घी का दीपक आपको अपने पूजा घर में लगाना चाहिए, तुलसी जी के गमले के समीप तुलसी जी के समीप आपको लगाना चाहिए, मुख्य द्वार के दाहिने तरफ आपको दीपक लगाना चाहिए, पीपल के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए, आंवले के पेड़ के पास भी एक दीपक आपको जलाना चाहिए, देवालय में शिवालय में भी एक दीपक आपको जलाना चाहिए और गौशाला में आपको दीपक जलाना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई तीर्थ है, कोई पवित्र नदी है, तो वहां पर भी नदी के किनारे पर आपको पूरे 5 दिनों तक दीपक का दान करना चाहिए, यानी एक दीपक लगा करके रख देना चाहिए। दीपक लगाने की विधि को ही दीप दान कहा गया है। दीपक आप मिट्टी के ले सकते हैं, धातु के ले सकते हैं, लेकिन इसमें तिल का तेल ले या फिर घी का तेल, घी या तिल के तेल से आपको दीपक लगाना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई तीर्थ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, तो आपके घर में जो जल रखने का स्थान होता है जिसे हम पनियारा या पानी की पंडेरी कहते हैं, जहां पर हम पीने का पानी रखते हैं, वहां पर भी आपको एक दीपक जलाना चाहिए। पूरे 5 दिनों तक भगवान श्रीहरि की पूजा पाठ करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पंचरात्रि व्रत के 5 दिनों तक सिर्फ आप भगवान का ही स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करते हुए ही आपको इन दिनों को व्यतीत करना चाहिए और अमावस्या के दिन यानी व्रत के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठ करके अपनी नित्य की क्रिया संपन्न करें। उसके बाद सबसे पहले अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको भोजन करवाएं, उनको दक्षिणा दान देवे, उनको वस्त्र दान करें, उनको कांसे के बर्तन में 33 मालपुआ रख करके दान करें और यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अन्न दान और गो दान भी करना चाहिए। मालपुआ के साथ स्वर्ण दान का भी विधान बताया गया है।
वैजयंती माला भी मालपुआ के साथ रख करके ब्राह्मण देवता को दान करनी चाहिए। यानी जितना भी अधिक दान आप इस अमावस्या के दिन करेंगे उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा, अधिकस्य अधिकम फलम। इस तरह पंचरात्र का समापन आपको करना चाहिए और ब्राह्मण देवता को अपने घर से विदा करने के बाद ही स्वयं भोजन करके पंचरात्र व्रत का पारणा आपको अमावस्या के दिन करना चाहिए। यानी 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त अमावस्या तक निरंतर पंचरात्र व्रत को इस विधि से हमने जो बताया है आपको धारण करना चाहिए। यदि आपने पूरी श्रद्धा भक्ति एवं भावना के साथ में पंचरात्र व्रत का पूरी तरह से पालन कर लिया, शास्त्रोक्त विधि विधान से यदि आपने पालन कर लिया या बिना विधि के भी आपने पंचरात्र व्रत को कर लिया, जाने में यानी जान करके आपने पंचरात्र व्रत को किया या अनजाने में आपके द्वारा पंचरात्र व्रत हो गया, दोनों ही पुण्यों को आप जरूर प्राप्त करेंगे और प्रभु आपके दोनों ही प्रकार को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। क्योंकि पुरुषोत्तम मास अधिक मास में वर्णन किया गया है कि जाने में या अनजाने में आपके द्वारा यदि पुरुषोत्तम माह का सेवन हो जाता है तो आपको पूरा पूरा पुण्य उसका प्राप्त होता है। पंचरात्र के दौरान आप भगवान का अधिक से अधिक भजन करें, कीर्तन करें। 12 अगस्त को परमा एकादशी है, वहीं 13 अगस्त को प्रदोष का व्रत रहेगा और 14 अगस्त यानी सोमवार के दिन श्रावण का सोमवार है, अधिक मास का सोमवार है और उस दिन सावन शिवरात्रि भी रहेगी, शिव चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, तथा 15 अगस्त को मध्यान्ह के समय अमावस्या लग जाएगी इसलिए इस दिन भी अमावस्या मानी जाएगी और 16 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी मध्यान्ह व्यापिनी अमावस्या है तो इस दिन विशेष रूप से अमावस्या मानी जाएगी। तो इस प्रकार इन 5 दिनों तक आप यदि व्रत करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, भागवत जी का श्रवण करेंगे या पाठ करेंगे, श्री शिव महापुराण का पठन पाठन करेंगे, तो निश्चित तौर से आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके पुण्यों का उदय होगा और जब आपके पुण्यों का उदय होगा तभी आपको सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और आपको इस संसार में धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होगी और आप 84 लाख योनियों से छूट जाएंगे और श्री हरि में आपका मिलन हो जाएगा, आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह अधिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, मालपुआ का दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान या गोदान देना चाहते हैं, पृथ्वी का दान करना चाहते हैं, स्वर्ण का दान करना चाहते हैं, सप्तधान्य का दान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजें और इसे तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके और वो सभी पंचरात्र व्रत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।